हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी आप सभी का वेलकम करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लखनऊ एग्जोटिक बर्ड्स से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपने बर्ड्स को देने वाला हूं मटकियां, क्योंकि अब मौसम आ गया है, बहुत ही अच्छा मौसम है, बरसात का मौसम है, बारिश होने लगी है और ठंडी भी कम हो, मतलब ठंडी भी सही है, गर्मियाँ कम हो गई हैं, ठंडी तो आ रही धीरे धीरे, तो मौसम सही है, तो इसलिए मैं अपने बर्ड्स को जल्दी से देने वाला हूँ मटकियाँ। और यार, एक बहुत ही बैड न्यूज़ है आप लोगों को, वो भी बता दूं यार, हमारा एक पिजन जो है पता नहीं कहाँ चला गया, सुबह से मिल नहीं रहा, गुम हो गया। ये देखिए, एक यहाँ पे बैठा हुआ है जिसको हमने केज में बंद करके यहाँ पे रख दिया है, हो सकता है शायद वो इसको देख करके आ जाए, हो सकता है आ सकता है, क्योंकि हमने सुना है कबूतर आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, उसकी मर्ज़ी। हाँ, तो मैं अपने यहाँ काम कर रहा हूँ, हो सकता है उसको आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, अब मैं जल्दी से चलता हूँ, मटकियों को वॉश करता हूँ अच्छे से, फिर उनको लगाता हूँ बर्ड्स के केजेस में। तो अभी यार ये यहीं रखा रहेगा, देखते हैं आएगा नहीं आएगा इसका साथी, हो सकता है आ भी जाए। अब यार जल्दी से मैं नीचे चलता हूँ। ये देखिए भाई, ये देखिए यहाँ पड़ी हुई है। हाँ जी भाई, क्या बात है, हटो यहाँ से। ये देखिए, इनके तो मज़े हैं, सब्जियाँ खा रहे हैं, इनके तो मज़े हैं भाई, क्या बात है भाई, तुम ही लोगों के तो अच्छे से मज़े हैं भाई। ये देखो सब्जियाँ खा रहे हैं भाई, क्या बात हो, चलो उधर उधर चलो। यार ये दोनों, एक रैबिट्स वाले एक पिजन्स को बहुत परेशान करते हैं। ये देखिए, वो इतनी जल्दी नीचे ही पहुँच गई भाई साहब, बहुत ही स्पीड होती है इन लोगों की दौड़ने की, जीने से बहुत जल्दी उतरते हैं लोग, पता नहीं चलता कितनी जल्दी सीढ़ियाँ उतर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मैं चलता हूँ नीचे और अब मैं लगाता हूँ मटकियाँ। तो अभी यार मैं नीचे आ चुका हूँ और मटकियों के पास बैठा हूँ, और ये मटकियाँ जो हैं बहुत ही गंदी हुई पड़ी, इनको साफ़ करना पड़ेगा। तो यार ये रही मटकियाँ, वो देखिए मेरे पास अभी करंट टाइम में 4 फीमेल हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 6 मटकियाँ लगा दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। पिछले टाइम मैंने कितनी मटकियाँ लगाई थी, 13 मटकियाँ लगाई थी, 13 मटकियाँ, जिस किसी ने पुरानी वीडियो में देखी थी उनको पता होगा कि मैंने 13 मटकियाँ लगाई थी, उस टाइम मेरे पास 12 पेयर भी थे। अब थोड़ा बर्ड्स कम हो गए हैं तो इसलिए थोड़ा कम मटकियाँ लगानी पड़ रही हैं। और यार ये देखिए, हमारे कॉकटेल का पता नहीं यार, ये लोग कब अंडे उंडे देंगे कुछ पता ही नहीं है, बस बैठे रहते हैं, खाते हैं, कुछ पता नहीं इनका क्या हाल है भाई। हाँ जी भाई, कुछ सरप्राइज वरप्राइज दो यार हमें, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, सरप्राइज दो, मैं भी खुश हो जाऊँ, थोड़ा परेशान हो गया हम लोगों से, देखता हूँ कुछ है कि नहीं है, ठीक है, बोल सकती है। अभी तक यार कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। हाँ जी भाई, कब तुम लोग अंडे बच्चे करोगे यार, अंडे उंडे दो, थोड़ा सरप्राइज दो मुझे, मैं भी खुश हो जाऊँ। इनको छोड़ देता हूँ, इनके हाल पे जो करना होगा करेंगे यार, पता नहीं। और इस टाइम हमारी फिंचेस भी कुछ हमसे नाराज़ हैं, वो भी नहीं अंडे उंडे दे रही यार। देखिए ये भी, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिया, ये भी ऐसे ही पड़ी हुई है। और यार हमारा एक बच्चे जो है बीमार हो गया था, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, सही भी हो चुका है काफ़ी हद तक, अब सही हो चुका है, पहले तो काफ़ी ज़्यादा बीमार था, अब सही हो गया, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सही हो गया। बाकी हमारा ये रहे बच्चीज, ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारे बर्ड्स हैं, तो इनको मैं आज जल्दी से मटकियाँ दे दूँगा, फिर देखिएगा आप लोग ये बर्ड्स मेरे कैसे लगते हैं, क्योंकि मटकियाँ लगने के बाद जो कॉलोनी है उसकी शोभा बढ़ जाती है, मटकियों के बिना थोड़ा खाली खाली लगता है, जैसे ही मटकियाँ लगती हैं तो कॉलोनी की शोभा बढ़ जाती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो यार बहुत दिनों से हमारा केज जो है ऐसे पड़ा था, आज फिर से आबाद होगा ये, फिर से आज आबाद हो जाएगा, लाइट भी चली गई यार। तो जल्दी से मटकियों को वॉश करता हूँ फिर लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी जो मटकियाँ थी उनको मैंने भिगो दिया है पानी में, और थोड़ा सा टाइम लगेगा इन्हें भीगने में, भीग जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाएंगी। तो यार जब तक के लिए मटकियाँ भीग रही हैं तब तक के लिए मैं थोड़ा एक काम कर लेता हूँ, मैं तब तक के लिए थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो यार जब तक के लिए मटकियाँ भीग रही हैं तब तक के लिए मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लेता हूँ, फिर मैं मटकियाँ लगाऊँगा अपने बर्ड्स के केज में। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी सारी मटकियों को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, धो लिया है, अब ये मटकियाँ बस ड्राई होने के लिए रखनी है, सूख जाए फिर जैसे ही सूख जाए मैं तुरंत ही लगाना स्टार्ट कर दूँगा। तो यार ये देखिए, 6 की 6 मटकियाँ जो है हमारी रेडी हो चुकी हैं,
ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने वाश कर लिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से। अब बस थोड़ा सा सूख जाए पानी इनका, सही से सूख जाए, बस इन्हें मैं लगाना स्टार्ट कर दूँगा। हमारे बर्ड्स भी बहुत बेसब्री से मटकियों का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से गर्दन को हिला हिला के मटकियाँ मांग रहे हैं फ्रेंड्स। तो फाइनली गाइस हमें मटकियाँ जो हैं सूख चुकी हैं, अब जल्दी से मैं इनको लगाता हूँ केज में। तो फ्रेंड्स अभी मैं सारी मटकियाँ जो हैं अंदर आ चुकी हैं, मैं जल्दी से जल्दी जल्दी करके एक एक करके लगाता हूँ इनको। तो यार आप लोग ये देखिए, जैसे एक मटकी लगी फीमेल देखिए मटकी की तरफ आना स्टार्ट हो गई है। अभी तो बस एक ही मटकी लग पाई है और ये देखिए इन लोगों का रिएक्शन। हाँ जी भाई रुको, ये तुम्हारी मटकी पहले भी थी, अब तो तुम्हारी ही होगी मुझे ऐसा लगता है। अभी तो फाइट्स भी स्टार्ट होंगे यार, जल्दी जल्दी मैं मटकियाँ लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो अभी दोस्तों मटकियाँ हमारी लग चुकी हैं, ये देखिए किस प्रकार से लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मटकियाँ लगने के बाद तो इसका लुक ही कुछ और आता है, व्यू बहुत ही प्यारा लगने लगता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग दूर से थोड़ा देखिए। वाह भाई कॉलोनी का लुक तो मटकियाँ लगने के बाद ही आता है, मटकी लगने के बाद कॉलोनी का लुक आ जाता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और हमारे बर्ड्स जो फीमेलें खाती हैं वो जाने भी लगी हैं धीरे धीरे करके। ये देखिए गाइस, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।